गाइस घर से हम निकले थे राजपेट जाने के लिए, देखो हम कहाँ पे फंसे हुए विशाल के घर में। बहुत गंदे बंदे हमारे इधर ग्रुप में, कुछ कोई झूठ बोलता है, कोई लेट करवाता हमें। गाइस देखो बंदा कितना दुखी पड़ा हुआ है, देखो कितना टाइम लगा दिया उन्हें, देखो सबसे बेचारा खड़ा है इधर, देखो ये देखना बड़ा लेट कराया इसने हमें, कब से इसके घर में बैठे हुए थे हम। गाइस हम निकल चुके हैं राजपेट के लिए, बड़ी मुश्किल निकले हैं आज, मतलब इतना टाइम हो गया ना, बड़ा लेट कराया, आधा इसने लेट कराया, तो एक बंदा ही नहीं आया, इतनी मुश्किल हमें बोला हमारी बुड्ढी मर गई है। बाद में हमने मतलब उससे कंफर्म किया तो झूठ बोल रहा था हमारे साथ, तो अब उसके बिना ही जा रहे हैं, बड़े गंदे गंदे बंदे हैं इधर। ये देखो 11:30 बजे आ गई इसने, पौने 11 बजे हम निकले थे इसके पास आए थे, 12:15 हो गए, तो अभी देखो 12:15 हो चुके हैं, कब पहुँचेंगे हम वहाँ पे। चलो जब भी बाबे ने पहुंचाना तभी पहुंचाना है। जय बाबे जी, जय बाबे जी, जय बाबे जी। ये राजपेट जाना के केड़ा मोड़ है यार, राजपेट कितनी आगे से मुड़ना है? लगभग 200 मीटर जाओ ना यहाँ से। अच्छा। आगे पता, आगे बोलो वो बता देंगे गली कौन। पहला पहला नहीं, दूसरे जाना पहले। ठीक है सर, थैंक यू भैया। गाइस हम जा रहे हैं पर पता नहीं है हमें रास्ता, पूछ पूछ के ही जा रहे हैं। ये देखो बस अभी थोड़ी दूर ही है, थोड़ा ही रह गया, बस टर्न तो ले लिया हमने, अब बस कहते हैं कि सीधा सीधा ही जाना है तो पहुंच जाओगे आप अपने रास्ते। अब सीधा जाना है आगे, बाकी अब बाबा ही पहुंचाएंगे हमें। हाँ हम खुद क्या ही कर सकते हैं, सब कुछ वही करने वाले। जब बाबा ने बुलाया होगा तभी पहुंचेंगे, पहले भी नहीं पहुंच सकते, बाद में भी नहीं पहुंच सकते। हेलो जय बाबे दी, जय बाबे दी। गाइस देखो यार हमारे J&K में कितने सही सही व्यू है, हम इस व्यू को देख के उतर ही गए हैं नीचे। पानी की आवाज देखो, और देखो कितनी शांति है और पानी की आवाज। हाँ विशाल का मन कर रहा है जहाँ से स्लांग लगा दे तभी में। गाइस देखो एक और था हमारे साथ हमारा बंदा, लेकिन वो नहीं आ पाया हमारे साथ, बहुत मार दिया गाइस, विश्वासघात किया उस बंदे ने हमारे साथ, बड़ा गंदा वाला। चलो कोई बात नहीं, हम चार भी काफी हैं। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं राजपेट, जय बाबे जी। चलो अब हमने चढ़ाई चढ़नी है थोड़ी आगे जाके। आजो फिर, चलो फिर हमारे बंदे अपना अपना सामान निकाल रहे हैं, जाने के लिए रेडी हैं। देखो अब चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे का। आगे हमने नहाना भी है, टॉवल वगैरह लाए हैं साथ में, टॉवल ले लेना साथ में। आगे मिलते हैं गाइस। ये देखो अभी यहाँ पे पुल बन चुका है, जब मैं लास्ट बार आया था तो यहाँ पे किश्तियाँ चलती थी, आज तो वैसे तभी थोड़ा थोड़ा पानी है तभी। गाइस यहाँ पे पुल खत्म हो चुका है, तो आगे कच्चा रास्ता है, अभी हमने बहुत दूर जाना ऊपर तक, तो देखो धूप भी बहुत है, सूरज चमक रहा है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम खाली पेट आए हुए हैं हम सुबह से, मतलब पहले बाबा के दर्शन करेंगे फिर खाएंगे कुछ। गाइस इसकी बस भी हो गई, देखो मैं पिछले ब्लॉग में ही बता रहा था ना इसे चला नहीं जाता, तो देखो इसका मुंह देखो गाइस क्या लाल सुआ हो गया हुआ है। गाइस देखो आगे मतलब गेट आ गया मेन, देखो गाइस अभी यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं, तो साथ चढ़ना ही है गाइस, फिर चढ़ाई है इधर, सोचो ये देखो गाइस खड़ा ही हो गया, इसे चला ही नहीं जा रहा, देखो बड़ी मुश्किल है। और लेट कर लेना ना थोड़ा, फिर थोड़ी गर्मी कम होनी थी। चलो चलो चलो, जय बाबे जी, जय बाबे जी, जय हो। पिछले 3-4 हफ्तों से प्लान कर रहे थे कि जाएंगे जाएंगे, लेकिन फाइनली आज वो दिन आया जब बाबा ने हमें फाइनली बुला ही लिया यहाँ पे। तो एक बंदे ने हमें बहुत तगड़ा खज्जल किया, हम उसको इतने काफी निकाल रहे ना आज। देखो हम लोग कहाँ पहुंच गए, एक बंदा अभी दिखाई भी नहीं दे रहा, वो बहुत ही ढीला चलता, वो देखो कहाँ पे है। देखो कितना साफ रास्ता आया, पहले सीढ़ियाँ हम
जो वीडियो बना रहा है ना इसकी पास हो गई है, ये पीछे चलता है, हमने इसको ही कैमरा पकड़ा दिया, तू पीछे चल। पानी आओ गाइस, देखो वो पानी मांग रहा है। गाइस यहाँ से पता चलता है बहुत जोर है इसमें, देखो शुगर के, देखो जीभ निकाल दी इसने तो। देखो ढलान आ गई, अब देखो सबसे आगे जा रहा है, पहले से चढ़ा नहीं जा रहा था, अब दौड़ लगा रहा है शुगर की इसने कहीं। ओ बूट केड़ा पाया था, ये नहीं तो लैसे का। गाइस मसला पता क्या है, हमारा एक बंदा नरेश, वो आज आया नहीं है हमारे बीच, और ये मेरे लिए नहीं कर रहे थे। और थोड़ा रही है, सारा रख पानी पिलाने तुझे। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, अच्छा दिन दी दो चार मुंडा। गाइस देखिए साहिल भी आ गया, हमारी गैंग में शामिल हो चुका है। गाइस देखो इसको पकड़ के चढ़ाना पड़ रहा है। और अभी ये कहता है कि आपके साथ वैष्णो माता जाना है मैंने, ये जा बैठा वैष्णो माता। गाइस देखो इसको चक्कर। अभी ये सुबह खाना खा के आया था, और यहाँ पे हमारे साथ शिवा भी है जो खाली पेट आया है घर से अभी तक, फिर भी कोई चक्कर कोई नामो निशान, ये तो हिम्मत ही छोड़ गया है। देखिए आप इसको, ऐसे दो फुलके भी खिलाए थे इसको, चक्कर चक्कर पेट देखो कैसे निकालो। ये देखिए इन दोनों को ढलान आती है, फिर ये रुकते ही नहीं है दोनों इंसान, फिर ये सोचते हैं अब हम एक ही बारी पहुंच जाएं तो ही रुकेंगे। देखिए पीछे भी नहीं देख रहे हैं कि हमारे बंदे कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, आपस में दोनों मस्त हो के अपना जाना जा रहे हैं, लेकिन अभी अगर चढ़ाई आ जाए ना एक मिनट के लिए तो फिर ये हमें ढूंढेंगे कहाँ गए हमारे बंदे। हम पहुँच गए हैं फाइनली मंदिर में, थोड़ी सी चढ़ाई वगैरह कर कर के सब कुछ, तो अब देखो नया मंदिर बन गया है यहाँ पे, पहले तो पुराना मंदिर होता था पूरा, अभी भी लेकिन काम चल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी हम आपको अंदर से भी पूरा दर्शन करवाएंगे, अभी बाहर बाहर से ही दिख रहा है तो ऐसा मतलब देखने में, अभी पेंट वगैरह हुआ नहीं है, एक ही मंदिर पे हुआ है एक साइड पे, और ये स्कैफोल्डिंग वगैरह लगी हुई है वैसे साथ, साथ में देखिए नीचे तभी। हाँ और आवाज़ सुने आप नीचे पानी की, अगर आपको सुनाई पड़ रही होगी तो इसमें यार देखिए नीचे वहाँ देवताओं को आटा डाल रहे हैं, अभी हम भी जाएंगे नीचे नहा के फिर हम भी थोड़ा चढ़ाएंगे। गाइस इसको शुक्र किया इसने कहीं पानी मिला है, देखो बस हो गई इसकी। मतलब पहले तू आटा लैचे फिर चढ़ाचे ओदे बाद मत्था टेकना होंदा, पहले नहीं करना ठीक है, फिर ऐ तुंदे कोल आटा वगैरह कुछ दियो जो है वैसे। गाइस अभी हम जा रहे हैं नहाने, तो इनसे पता चला है कि पहले नहा के आटा वगैरह डाल के देवताओं को फिर ही अंदर जाना होता दर्शन करने, तो अभी हम कर लेते हैं स्नान वगैरह, दो फिर गाइस पूरी आ गई, आपको दर्शन भी करवाते हैं ऊपर। देखिए इधर पहले घर से पूरी सलाह करके आए नहाना है, इधर कह रहे हैं बड़ा ठंडा पानी है, मुँह ही धोना पड़ेगा बस, देखिए फाइनली मुँह ही धो रहा है ये, अभी मैं जाऊंगा जब देखना कैसे नहलाता हूँ इनको। देखिए जिसकी जो बेचारा चल नहीं पा रहा था, सबसे ज्यादा मेहनत इधर आ गई इसी ने की है, हम तो खाली खड़े होके बस एंजॉय कर रहे हैं, देखो बेचारा कितनी मेहनत से पूरा मखाने और आटा पूरा अच्छे से करके हमारे लिए। फाइनली हमने आटा खिला दिया और अब हम जाएंगे ऊपर बाबा जी के दर्शन करने, फिर कुछ खाएंगे वगैरह, भूख बड़ी लग चुकी है, अब हम सुबह से कुछ खाया नहीं। अब हमने नहा लिया है सब कुछ हो गया,
तो अब हम बस ऊपर जा ही रहे हैं, तो अभी ऊपर जा के हम आपको सारा दिखाएंगे अंदर से कैसा है, मतलब सारा दर्शन करवाएंगे। भाई सभी आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं अंदर। चलो फिर अगली बार मिलेंगे आपको दूसरे ब्लॉग में। दूसरा ब्लॉग हमारा शिवकोड़ी होने वाला है, 5 को होगा ही होगा अगर बाबा थोड़ा सा अपनी कृपा बनाए। बस 5 को डन ही है, मतलब थर्सडे अभी तक, तो बाकी जय बोले बाबा की कृपा होगी तो हम ज़रूर पहुंचेंगे। कि अगर बाबा नहीं बुलाएंगे तो हम कुछ कह नहीं सकते उस चीज़ में, लेकिन इतना हमें पता है बाबा बुलाएंगे ही बुलाएंगे। चलो जय बाबे जी। जय बाबे जी। चलो चलो चलो।